अब ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि सबसे इजी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था, क्योंकि आप जैसे ही स्क्वायरिंग करते तो 2ab से 2ab कैंसिल, स्क्वायर से ये वन ये वन, तो आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो पूछा है, तो 4 + 9 = 13, यानी बिना पेन उठाए करने वाला क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था। देखिए इस क्वेश्चन में आपने ये कितने बार इक्वेशन पढ़ी है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी दिया हो तो इसको सॉल्व करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट से डिवाइड करके, और इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आखिरी आखिरी में जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास ली थी बोला भी था मैंने, ये मैक्स वैल्यू होती है और मिनिमम माइनस होती है। तो 3 का स्क्वायर हुआ 4, वो सॉरी 9 प्लस 16, यानी इसका स्क्वायर रूट हुआ 5। तो इसका मतलब, और के यहां दिया है, के मतलब कितना दिया, प्लस माइनस 5। तो लॉजिकली क्वेश्चन ऐसा था, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5, और अगर मैं 5 का डिवाइड करता हूं तो ये बेटा प्लस माइनस 1 मिलता है। अब आप किसी एक को ऐसा ही लिखते हैं, एक्स प्लस अल्फा दिस इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो 0 से 2 पाई में साइन एक बार प्लस होता और एक बार माइनस होता, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाते 2, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाते 2। यहां पर अल्फा का मतलब है टेन इनवर्स 4/3, बट उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि ये मिल गया, प्लस माइनस 1 मिल गया, और ये देख के ही होने वाला क्वेश्चन था। अब जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 21। अब इस क्वेश्चन को आप लॉजिकली समझ सकते हो, आपको भी पता है एनसीआर में अगर n ऑड हो, जैसे ये ऑड है, तो इसकी मैक्स मिनिमम वैल्यू क्या होती है। अगर 21 की बात कर रहे हैं तो मैक्स मिनिमम वैल्यू मिडिल मोस्ट, यानी 10 या 11 में से कोई एक। अब इसलिए दो ऑप्शन नहीं दिए, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, 10 इज द राइट आंसर। ये ऐसा लिखा है, आर क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए, आर माइनस बी क्रॉस ए वैक्टर इक्वल टू 0। दो वैक्टर अगर कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो दोनों वैक्टर आपस में पैरेलल होते हैं, ये पढ़ चुके हो। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते थे कि आर वैक्टर इक्वल टू, ये मतलब आप ऐसा लिख सकते थे, आर वैक्टर इक्वल माइनस बी वैक्टर इक्वल टू लेमडा ए, या आर वैक्टर इक्वल टू बी वैक्टर प्लस लेमडा ए, ये कहलाती स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, लाइन पासिंग थ्रू बी एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। मैं बिल्कुल आपका इसमें सपोर्ट करूंगा, हो सकता है आपने ना पढ़ी हो 3D, और कोई जरूरत भी नहीं थी क्योंकि उसका फिर अंत नहीं है अगर एक्स्ट्रा सिलेबस करोगे तो, हो सकता है। और जैसे ये लिखा है सिमिलरली, इसमें भी आर माइनस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, यानी आर वैक्टर इक्वल टू ए प्लस म्यू ए म्यू बी, ये दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का कभी भी अगर आपसे इंटरसेक्शन पूछा हो तो इसका समेशन कर दीजिए, यानी a प्लस बी को अगर आप ऐड करते तो इसको जैसे ही ऐड करते तो मिलता 3i प्लस j माइनस ऑफ k। कोई है? यस, दिस इज द राइट आंसर। ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, इफ px प्लस qy इक्वल टू 1 एंड qx प्लस py इक्वल टू 1 आर साइड ऑफ ac एंड ab ऑफ द मीडियन फ्रॉम a, bisect side BC at P and Q, then equation of the median through A। मतलब क्वेश्चन ऐसा है, ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B, ये एक पॉइंट है C, और ये एक मीडियन जा रही है जो कि किससे जा रही है, PQ से। आपके पास इस लाइन की इक्वेशन है PX plus QY equal to 1, इसकी भी है QX plus PY equal to 1, और आपको एक ऐसी लाइन बतानी जो इनके इंटरसेक्शन से जा रही हो और साथ में PQ से भी पास हो रही हो। तो आपको यहां पर याद आना चाहिए था जो हमने इंट्रोडक्शन केवल करा था फैमिली ऑफ लाइन का, उससे हो सकता था कि दो लाइन के इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन की इक्वेशन होती है पहली इक्वेशन प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ दूसरी इक्वेशन क्यू एक्स प्लस पी वाई इक्वल माइनस। अब ऑल्सो पासिंग थ्रू पी क्यू, तो पी क्यू से पास हो रही है तो हमें क्या मिलेगा, लेमडा, तो पी क्यू रखिए, तो पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस 1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ पी क्यू रखा, तो पी क्यू क्यू रखा होगा तो पी क्यू माइनस 1 है ना। इसका मतलब एक तरह से मुझे ऐसा मिल गया, इसको उधर ट्रांसफर करा तो 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पी क्यू माइनस 1, ये लेमडा है, ये लेमडा इसमें वापस डाल दीजिए तो आपको ये आंसर मिल जाएगा।